हेलो फ्रेंड, आज हम पेश करेंगे थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन पार्ट 4। ये अंतिम पार्ट है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि यदि गैम्बिट पे गैम्बिट दी जाए तब क्या रिजल्ट आएगा। तो देखेंगे, हमने डेनिस गैम्बिट का एक उदाहरण दिया है इसमें, तो हम डेनिस गैम्बिट में गेम्स को स्टार्ट करेंगे। व्हाइट ने e4, e5, d4, ed4, c3, dc3। यहां देखिए ब्लैक ने पान रिकैप्चर रिकैप्चर अर्थात तीनों मूव पान के, वैसे तो ये नियमों के विरुद्ध है, परंतु फिर भी देखते हैं कि परंतु पान भी तो एक्स्ट्रा मिला। अगर व्हाइट यहां नाइट से ले ले तो ये कोऑर्डिनेशन मूव है, अच्छा रहता है इसके लिए। अगर वो इसको कुछ ना करे और बिशप को डेवलप करे, देखते हैं फिर क्या होगा। वो फिर पान कैप्चर करे फोर्थ मूव और बिशप से कैप्चर। तो व्हाइट की अगर पोजीशन देखें तो तीन पान मूव चले गए और दो बिशप डेवलप हुए, टोटल पांच मूव, और उसने पान के 1 2 3 4 सभी पान मूव। अब पांचवा मूव क्या चलेगा वो देखने वाली बात है। अब इसमें पोजीशन देखें, दो पान एक्स्ट्रा अर्थात दो पॉइंट प्लस, और व्हाइट के पास डेवलपमेंट, दो बिशप और सेंटर कंट्रोल। अब कौन जीतेगा, किसकी पावर ज्यादा, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे गेम के बाद। यहां हम दोनों साइड से एक्यूरेट खेल लेंगे। बिशप सेक b4 पे नाइट, और यहां nf6 प्लानिंग कैसलिंग। अगर e5 करें तो ये रास्ता रुक जाएगा बिशप का, नाइट e4 और यहां एक्सचेंज हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो फिर बिशप से f7 यही कर पाएगा, e5 का कोई पर्पज नजर नहीं आता या माइनस रहेगी। इसलिए यहां बिशप क्रॉस f7 चेक, एक पैदल कवर कर लिया गया, क्वीन चेक d5 और क्वीन कैप्चर। तो यहां अब ब्लैक को मौका मिला रुक e8 करने का, इस पान से कैप्चर हो नहीं पाएगा और इस पान पे प्रेशर भी बढ़ेगा, तो अब इसको कैप्चर कर देंगे। अगर e5 किया तो नाइट आ जाएगा, तब भी अब व्हाइट क्या करे, पीस डेवलप करने के अलावा इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उसने चला नाइट e2 और ब्लैक nc6 करेगा विनिंग टेम्पो, क्वीन बचाए अपनी, क्वीन को बचाएगा वो c3 पे। अब पैदल को कैप्चर कर लें, ओपन करो, यहां क्या करे, क्या कैसल या कुछ और। अगर कैसल किया तो पान देखो 4 और उसके 6, तो दो पैदल कैसे कवर होंगे। दूसरा पान बढ़ के प्रॉब्लम अलग से, जब बिशप चल दिया तो भी प्रॉब्लम, सिंपल बिशप डेवलप कर लेगा और रुक आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहां नाइट f4 कर दिया गया, यही ठीक लगता है, क्वीन d6 आ जाएगा नाइट को थ्रेटन करते हुए, इसी को क्वीन g3, नाइट उठेगा तो शायद कोई चांस मिल जाए। इसके बाद आगे कर दिया गया, ब्लैक के पास ये चांस था ओपन करने का, वो ओपन करेगा f3 मारना कंपलसरी, बिशप f5। तो यहां एक चाल ले ली गई और पान दे दिया गया, अब एक पान एक्स्ट्रा और सभी पीस एक्टिवेट। तो यहां व्हाइट के पास ऑप्शन क्या, इस नाइट को कैप्चर कर दे और इस नाइट को कहीं जोर पे रखें, यही ठीक रहेगा, अदरवाइज तो यहां से वैसे ही बदल जाएगा, इसलिए इस नाइट डेंजरस को आउट, नाइट b3। और अब ब्लैक क्या करे, क्वीन चेक,
हैव टू और रुक। तो यहां ब्लैक एक डेढ़ पॉइंट प्लस, क्योंकि ना तो डेवलपमेंट में और मटेरियल भी ज्यादा थ्रेटनिंग, रुख यहां सब कुछ कंट्रोल में है। तो अब ब्लैक पॉजिटिव ही रहेगा, वो कुछ भी करे, रुख नाइट तो वो अच्छे अच्छे स्क्वायर सब कंट्रोल कर लेगा, कैसे भी खेल लें इसको। अब वो प्लस ही रहेगा, देखते रहिए आप। रुक जी एट, क्वीन एफ टू, अब क्या करें, वापिस जाए रुक को सी फाइव, रुक एफ वन, नाइट उठ के बिशप को धमकाने की कोशिश, नाइट चल दिया गया कि इसको मार लेंगे और इस पे जोर भी आ जाएगा। अब वापिस आना पड़ा और रुक डी एट, क्वीन टू, बिशप जी सिक्स, तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया और यहां व्हाइट का रिजाइन। तो देखा आपने, अब इसमें व्हाइट का रिजाइन क्यों हुआ, यह सोचने का विषय है। वास्तव में उसका कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं, उसके नाइट की डेवलपमेंट और कैसलिंग दो मूव पीछे व्हाइट था और सैक्रिफाइस कर दिए गए दो पान, अर्थात आधा अधूरा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए कंप्लीट करो, फिर दो तीन चार कुछ भी करो, ना तो वो लाइन को ओपन कर पाया, ना अटैक कर पाया, सेंटर ओपन नहीं भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया। रीजन बैकवर्ड नाइट और कैसलिंग, दो मूव पीछे होने के कारण, खुद का कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण ये गेम हार का कारण बनी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में, अगर आपकी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन पूरी हो जाए तब सेक्रीफाइस करो भाई। आशा है आपको कोऑर्डिनेशन की थ्योरी समझ आई होगी। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं, गुड लक। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे चैनल गुप्ता चेस 15 पर। धन्यवाद।